नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जो अपना YouTube चैनल है शहीद भगत सिंह फिजिकल एकेडमी। दोस्तों आज अपनी एक वीडियो और आने वाली है। मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि वार्म अप और वार्म अप के बाद 6 ABC की जो एक्सरसाइज थी वो करवाई थी। दोस्तों आज सबसे पहले मैं 5 मिनट अपना वार्म अप करूँगा और इसके बाद 4 या 5 स्ट्राइड लगाऊंगा 30 मीटर की। उसके बाद आपके अगर हाथ पैर भरते हैं उसके लिए मैं 3 एक्सरसाइज बताऊंगा और आप 1 महीना लगातार वो एक्सरसाइज रनिंग के बाद करें। मेरी गारंटी है कि अगर आपके हाथ और पैर दौड़ते समय भर जाएं तो आप मेरे को बोल दें भाई। मैं गारंटी लेता हूं कि किसी भी प्रकार आपके जो भागने के टाइम पर कितना भी जोर लगा लें आपके हाथ और पैर नहीं भरेंगे, लेकिन निभाकर आपको एक्सरसाइज 1 महीने तक करनी होगी। तो दोस्तों आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं और देखिए कि वे एक्सरसाइज कौन सी हैं। सबसे पहले वार्म अप और फिर स्ट्राइड और फिर वो एक्सरसाइज होंगी और पर एक्सरसाइज के रूटीन में चलेंगी। एक साथ 3 एक्सरसाइज होंगी, उसके बाद 1 मिनट का रेस्ट, फिर 3 एक्सरसाइज, फिर 1 मिनट का रेस्ट, फिर 3 एक्सरसाइज और फिर 1 मिनट का रेस्ट। इस प्रकार आपको करना है। तो दोस्तों चलते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पर वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो आपका टाइम है वो कम से कम वेस्ट हो। इसलिए आप इस वीडियो में देख सकते हो कि मैंने जो 5 मिनट है किस प्रकार वार्म अप किया है। आप अपने जो कदम देख रहे हो इसे समझ सकते हो कि वार्म अप काफ़ी धीरे धीरे किया है। जितना स्लो आप वार्म अप करोगे उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो आप इस वीडियो को देखते रहें। और वार्म अप के बाद मैंने 6 एक्सरसाइज की थी जो कि इस वीडियो में नहीं है। वो एक्सरसाइज दोस्तों मैंने जो पिछली वीडियो डाली है उसके अंदर है, आप उस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने कुल 5 मिनट 19 सेकंड तक वार्म अप किया था। इसके बाद दोस्तों मैंने वो 3 एक्सरसाइज की थी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वार्म अप का टाइम आपके सामने। दोस्तों अब मैं आपके सामने 5 जो 30 30 मीटर की हैं स्ट्राइड वो लगाऊंगा और आपको ये वार्म अप के बाद और आगे की एक्सरसाइज से पहले बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर कुछ हल्के लिए एक्सरसाइज करनी है जो कि आप अपनी जो पिछली वीडियो है उसके अंदर देख सकते हैं। दोस्तों मैं वीडियो के अंदर 2 ही स्ट्राइड दिखा रहा हूँ क्योंकि टाइम का आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इसलिए मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आपको 2 स्ट्राइड दिखा रहा हूँ किस प्रकार मैंने स्ट्राइड लगाई थी। जिसके बाद सीधी एक्सरसाइज दिखाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं आज आपको अब दिखाऊंगा कि जो आगे 3 एक्सरसाइज हैं वो आपको कैसे करनी है। आपको एक एक केजी के जो वेट है रनिंग का वो हाथों में डालना है और एक एक केजी का जो वेट है वो पैरों में डालना है। इसके साथ आपको वो एक्सरसाइज करनी है। तो दोस्तों आइए आगे जो एक्सरसाइज है वो करते हैं। वीडियो को जो आरम्भ करते हैं एक्सरसाइज देखिए मैं किस प्रकार करता हूँ। ये टाइमर है अपना और ये स्टार्ट किया। इसके बाद लगातार दोस्तों एक्सरसाइज ये करनी है आपको। दोस्तों डिप्स इसी प्रकार लगानी है क्योंकि दोस्तों इस प्रकार की डिप्स लगाने के कारण आपके जो हाथ हैं कंधे पर से वो कभी नहीं भरेंगे। दोस्तों पूरी डिप्स नहीं लगानी आपको। और इसके बाद दोस्तों आपको 30 सेकंड ये
ये एक्सरसाइज भी आपको दोस्तों वेट के साथ करनी है। दोस्तों यह एक्सरसाइज भी मैंने फास्ट कर दी है आपको टाइम को ध्यान में रखते हुए। दोस्तों आपका टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप इस प्रकार रनिंग के जो 3 सेट हैं वो लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने जो पिछली एक्सरसाइज की थी उसी प्रकार 1 मिनट के रेस्ट के बाद वही एक्सरसाइज दोहराई है। आपको वही एक्सरसाइज दोहरानी होगी, लगातार ये एक्सरसाइज 3 बार करनी है दोस्तों। तो दोस्तों आपको यह एक्सरसाइज डेली करनी है और पर तीनों एक्सरसाइज के बीच में 1 मिनट का रेस्ट लेना है। दोस्तों आप मेरी गारंटी है, मैं अपनी खुद की जिम्मेवारी पर बोलता हूँ कि आपके बॉडी का अगर हाथ यहाँ से कंधे और थाई के अंदर से अगर पैर भर जाए ना, तो मेरी गारंटी है आप मेरे से बोल सकते हो। लेकिन आपको डेली रूटीन से 1 महीना आपको ये जो वर्क है चैलेंज के साथ करना होगा।